हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अगले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे। इसे जस्ट पहले वाला लेक्चर है, उससे पहले हमारा हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे। दोनों में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, साथ में उनके स्पेशल केस थे आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल की कंडीशन में याद है आर इज मच ग्रेटर देन टू ए, जो डिस्टेंस होगा चार्ज पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत बड़ा है किससे, डाइपोल के इंटर सेपरेशन से। मतलब 2a की वैल्यू वो हमारे पास नेग्लिजिबल है किससे, डाइपोल के चार्जेस के साइज के कंपैरिजन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल। एक आइडियल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हेडिंग लिखते हैं हम आज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल। ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे किसकी वजह से, आइडियल डाइपोल की वजह से। देखो एक चीज और, आइडियल डाइपोल में जो शायद मैंने आपको बताना भूल गया, आइडियल डाइपोल अगर दे रखा है तो उसकी डाइपोल मोमेंट पी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, पी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस केस में हम उसी का यूज करेंगे। अब हम पूरा डाइपोल कंसिडर नहीं करेंगे कि माइनस के प्लस के उनके बीच का डिस्टेंस टू ए, अब हम सिर्फ डाइपोल मोमेंट लेंगे। और जो पीछे रिजल्ट डेराइव किए हमने स्पेशल केस थे आइडियल डाइपोल के, उन्हीं का यूज करेंगे, उनकी हेल्प से हम आज वाला रिजल्ट डेराइव करेंगे। तो हमने कोई भी डाइपोल ले लिया जिसके डाइपोल मोमेंट कितनी है, पी है। फिर में लिखेंगे लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी। डाइपोल मोमेंट क्या लिया हमने, पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट वो पॉइंट हमारे पास एक्सियल लाइन पे भी हो सकता है, वो पॉइंट हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे भी हो सकता है। तो फिलहाल हम ना तो उस पॉइंट को एक्सियल लाइन पे कंसीडर करते हैं, ना ही हम इक्वेटोरियल लाइन पे कंसीडर करते हैं। कोई भी रैंडम पॉइंट लेते हैं पी, पी नहीं सॉरी एम, कोई भी रैंडम पॉइंट लेते हैं जिसपे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पी पॉइंट कोई भी हो सकता है हमारे पास, कोई भी डायरेक्शन पॉसिबल है। तो मैंने रैंडम लिया, द पॉइंट एम इज हियर। हमने मान लिया कि डाइपोल के सेंटर से लेके जो एम का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है हमारे पास आर। डाइपोल के सेंटर से लेके पॉइंट एम का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है हमारे पास आर। पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी, ये वाला एग्जाम एंगल हमने कंसिडर कर लिया थीटा। अगर मैं आइडियल डाइपोल की बात करूँ, फिर पीछे वाले रिजल्ट अगर डायरेक्ट बात करूँ तो माइनस क्यू प्लस क्यू, इनकी वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से ये साइड थी, नेगेटिव की वजह से ये थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन हमारे पास ये थी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन हमारे पास ये थी। ई पॉजिटिव की वैल्यू ग्रेटर देन थी किससे, ई नेगेटिव से। तो हमारे पास नेट डायरेक्शन क्या थी, इस साइड में थी। सिमिलरली अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन की बात करूँ तो हमारे पास चार्जेस कुछ ऐसे थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था हमारे पास, साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहे थे। इक्वेटोरियल लाइन के केस में साइन कंपोनेंट एक ऊपर था एक नीचे था, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट थे वे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉस कंपोनेंट थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये थी। सिमिलरली एम पॉइंट पे कंसिडर करूँ मैं, उससे पहले हम रिजोल्व करेंगे पी के दो कंपोनेंट, एक तो पी कॉस थीटा दूसरा पी साइन थीटा। कंपोनेंट रिजोल्व करने मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, पी का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये पी है ये वाली साइड एंगल बना रही है थीटा, तो हमारे पास जो कोस कंपोनेंट होगा वो ये होगा पी कोस थीटा, और पी कोस थीटा के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास पी साइन थीटा। अगर मैं पॉइंट एम की बात करूँ तो पॉइंट एम पी कोस थीटा के लिए किधर है, एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन क्या थी, जो एक्सिस से पास हो, ये हमारे पास डाइपोल है
इसी के एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं तो डाइपोल का ये कंपोनेंट p cos थीटा इसी की लाइन पे तो कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं m, तो पॉइंट m हमारे पास एक्सियल लाइन पे होगा, किसके लिए होगा, cos थीटा के लिए, p cos थीटा के लिए cos कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट उसके लिए हमारे पास पॉइंट m किधर होगा, एक्सियल लाइन पे, और p sin थीटा के लिए पॉइंट m किधर होगा, इक्विटोरियल लाइन पे। हमारे पास दोनों कंपोनेंट m के लिए p cos थीटा के लिए m की पोजीशन एक्सियल लाइन पे है और p sin थीटा के लिए m की पोजीशन इक्विटोरियल लाइन पे, तो कहीं ना कहीं इसमें हम रिजल्ट यूज करेंगे दोनों के, एक्सियल लाइन का भी और इक्विटोरियल लाइन का भी, जो भी नेट रिजल्ट होगा वो रिजल्टेंट होगा इन दोनों कंपोनेंट का, एक्सियल का भी साथ में इक्विटोरियल का भी। अब देखो आई थिंक ये क्लियर है हमें कि m पॉइंट एक्सियल पे होगा p cos थीटा के लिए और m पॉइंट इक्विटोरियल पे होगा p sin के लिए। अब अगर एक्सियल लाइन पे तो नेट डायरेक्शन ये होगी बाहर की तरफ, एक्सियल लाइन पे बाहर की तरफ, आइडियल डाइपोल या फिर सिंपल डाइपोल की डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं माइनस q टू प्लस q, तो हमारे पास डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, ये डायरेक्शन होगी हमारे पास ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू cos कंपोनेंट, इसको नाम दे दिया ec, c का मतलब cos कंपोनेंट, और ये वाली डायरेक्शन होगी हमारे पास ड्यू टू sin कंपोनेंट, इसका नाम दे दिया es, या फिर ec को मैं क्या बोल सकता हूँ, cos कंपोनेंट की वजह से कौन सा है हमारे पास, cos कंपोनेंट की वजह से हमारे पास जो भी लाइन है वो कैसी है, एक्सियल, या तो ec से डिनोट कर दो या फिर e एक्सियल से डिनोट कर दो, दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। सिमिलरली मैं या तो es बोल दूं या फिर e इक्विटोरियल बोल दूं, दोनों केस हमारे पास क्या है, सेम है। आइडियल डाइपोल कंसिडर किया तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, आई थिंक ये डायरेक्शन हमारे पास क्लियर है, ec उधर होगा es उधर होगा, अगर दो वैक्टर इस टाइप से है, एक की डायरेक्शन ये है दूसरे की डायरेक्शन ये है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच से होगा, वो नेट डायरेक्शन देगा हमें किसकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास, ये वाली डायरेक्शन, ई नेट, और ई नेट रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर का निकालना हमने क्लास 11th में देखा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास उधर होता था ये r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर हमारे पास a जो वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले वेक्टर के ec के इक्वल, और जो हमारे पास b वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, es के इक्वल होगा। थीटा हमारे पास एंगल है किस किस के बीच में, a के और b के बीच में, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थीटा एंगल होगा ई एस के बीच में और ई सी के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, एंगल बिटवीन ई एस ई सी एंड ई एस, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, और कोस 90 क्या होगा हमारे पास 0। ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना है हमारे पास 90, एंगल बिटवीन ई एस एंड ई सी, ये वाला एंगल है हमारे पास 90, और cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, 0 मल्टीप्लाई ये सारी टर्म कितनी होगी हमारे पास 0, तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर बचेगा वो इक्वल होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ a की और b की भी, ये वाला कंपोनेंट हमारे पास 0 होगा, रीजन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास ये होगा e एक्सियल का स्क्वायर या फिर ec का स्क्वायर प्लस e s का स्क्वायर, s का मतलब साइन कंपोनेंट, c का मतलब cos कंपोनेंट, cos कंपोनेंट मतलब एक्सियल लाइन, s मतलब इक्विटोरियल लाइन, ec प्लस es का स्क्वायर, ये डिनोटेशन हम e1 e2 भी ले सकते थे, फिर हो जाता है e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं e एक्सियल का स्क्वायर प्लस e इक्विटोरियल का स्क्वायर। ये रिजल्ट हमने पहले आइडियल डाइपोल के लिए डिराइव किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ये इक्वल आती थी हमारे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑन इक्विटोरियल लाइन, स्पेशल केस वाले रिजल्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमने जो सबसे पहले कंसिडर किया है वो क्या है हमारा, आइडियल डाइपोल। पीछे वाला रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, एक्सियल लाइन पे हमारे पास ये रिजल्ट था 2π/4πε0r³,
तो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये रिजल्ट होता है हमारे पास पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखो इनकी वैल्यू पुट होगी, वैल्यू पुट करने से पहले हमारे पास एक चीज और है कि हमारे पास जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से कंपोनेंट की वजह से, कॉस कंपोनेंट, डाइपोल मोमेंट का सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है एक्सियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए। तो हम पी को रिप्लेस करेंगे किससे, पी कॉस थीटा से, और इस साइड में पी को रिप्लेस करेंगे पी साइन थीटा से। अब ये दोनों वैल्यू पुट होंगी इधर पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी इज इक्वल टू अंडर द रूट ई फर्स्ट का स्क्वायर दैट इज 2 पी कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इसका स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट। आगे वाली टर्म हमारे पास जीरो होगी, रीजन थीटा इज इक्वल टू 90, याद रखना थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 इज जीरो। अब इनका स्केयर करेंगे तो स्केयर करने से पहले देखते हैं जो चीज कॉमन है वो कॉमन निकाल लेंगे। ये होगा हमारे पास 4 पी स्केयर कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ आर क्यूब इसका स्केयर प्लस पी स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ आर क्यूब का स्केयर। डिनोमिनेटर में ये कॉमन है, न्यूमिनेटर में देखे तो पी स्केयर कॉमन है, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट है पी स्केयर कॉमन आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इसका होल स्केयर ये कॉमन आ गया, सारा अंडर द रूट है, और जो अंदर वैल्यू बच गई 4 कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा देखो 4 cos square theta plus sin square theta किसके इक्वल है। बेसिक आइडेंटिटी की बात करूं तो हमें पता है cos square theta plus sin square theta किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब मैं लिख सकता हूं 4 cos square theta को 3 cos square theta plus 1 cos square theta, 3 plus 1 क्या होगा 4 होगा, 4 cos square theta को लिख दिया मैंने 3 cos square theta plus cos square theta, और sin square theta को लिख दिया sin square theta, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके क्या होगी 1, बच गया क्या 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसकी जगह पे रिप्लेस होगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसके बाहर ये वाली वैल्यू इस सब का क्या है रूट है। अब रूट है तो स्क्वायर रूट अलग अलग ले लिया, पी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इसका भी होल स्क्वायर है तो इससे रूट कैंसिल आउट, तो जो रूट से बाहर वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जो रूट वाली वैल्यू बच गई वो सिर्फ और सिर्फ ये बच गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आइडियल डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे वो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल इज पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर द रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होगी। मतलब अगर मैं इधर से रिजल्ट डिराइव करना चाहूँ एक्सियल लाइन का या फिर इक्वेटोरियल लाइन का, एक्सियल लाइन के लिए इधर मैं देखूं एक्सियल लाइन का मतलब ये पॉइंट टाइम शिफ्ट करके किधर आ जाए, इस लाइन के लोग आ जाए, मतलब थीटा की वैल्यू डिक्रीज होके क्या हो हमारे पास जीरो। अगर थीटा की वैल्यू मैं जीरो पुट करूंगा तो कोस जीरो दैट इज इक्वल टू, इसी रिजल्ट में वैल्यू पुट करूंगा मैं पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक्सियल लाइन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 डिग्री, कोस 0 इक्वल टू 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, ये स्क्वायर रूट है 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे मतलब इक्वेटोरियल लाइन, और थीटा इक्वल टू 90 कोस 90 हमारे पास क्या होगा 0, कोस 90 अगर 0 है तो हमारे पास ये रिजल्ट होगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब अंडर द रूट 3 0 प्लस 1, ये होगा हमारे पास पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे ये इक्वेशंस वेरीफाई कर रहे हैं अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को, ये हमने डिराइव किया था। स्पेशल केस इक्वेटोरियल लाइन का हमारे पास यही था, एन इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं और एक्सियल लाइन, वो क्या था हमारे पास 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो ये वेरीफाई कर रहे हैं अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को। एट एनी पॉइंट में अगर हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, या फिर थीटा की वैल्यू पता है, तो हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें इस थीटा की वैल्यू पता है तो हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कंडीशन क्या है, हमें गिवन हो थीटा की वैल्यू क्या है, या फिर वो कोई ना कोई मेथड देगा टू कैलकुलेट थीटा। आगे का देखेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल सेक्शन करके देखेंगे। न्यूमेरिकल सेक्शन ईजी है इसका, बहुत ईजी है। तो हमारे पास तीन टॉपिक हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आइडियल डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। एक टॉपिक और रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली सर्कुलर चार्ज रिंग, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद हम फिर इन सब के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।